Hi friend, this is Asim. You may call me Prince from Law Faculty DU. Today I would like to discuss a landmark case of Limitation Act 1963, which is mentioned in our case map. Case ka naam hai Ajayab Singh versus Sir Hind Cooperative. Ye 1999 ka case hai. Ye jo case hai wo Article 137 of Limitation Act 1963 pe mention kiya gaya hai. अब देखते हैं आर्टिकल 137 में क्या कहा गया. उसमें कहा गया एनी अदर एप्लीकेशन फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड इल्स वेयर इन द डिवीजन 3 ईयर्स व्हेन द राइट टू अप्लाई अकर्स. यानी सिंपल समझो आप कि कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जिसके बारे में पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहीं भी मैंशन नहीं है उसका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा वो 3 साल होगा. अब इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट पर फोकस करते हैं. इस केस का फैक्ट ये है कि जो अपलेंट होता है वो एक वर्कमैन होता है और उसको रिस्पोंडेंट मैनेजमेंट के द्वारा जो है टर्मिनेट कर दिया जाता है बिना कोई कंप्लायंस दिए हुए. और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है उसके प्रोविज़न के अकॉर्डिंग भी उसको मतलब अकॉर्डिंगली उसको टर्मिनेट नहीं किया जाता है. मतलब जैसे मन किया वैसे टर्मिनेट कर दिया. स्टैट्यूटरी प्रोविज़न को देखा ही नहीं गया. तो जब ये मामला लेबर कोर्ट में जाता है तो लेबर कोर्ट ये कहती है कि जो वर्कमैन है उसको अपने काम पे आपको वापस रखना होगा. लेकिन जब अपील होती है तो जो सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं वो ये कहते हैं कि जो वर्कमैन को रिलीफ ग्रांट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद आए हैं, बहुत लेट करके आए हैं. तो इस डिसीजन को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में. तो अब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो आर्टिकल 137 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 है वो जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के प्रोसीडिंग पर अप्लीकेबल नहीं होगी. यानी कि ये जो प्रोसीडिंग थी वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत इस पूरे केस को देखा जा रहा था. तो चूंकि इस पूरे केस को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत देखा जा रहा है तो उस पर लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाई ही नहीं होगा. जब लिमिटेशन एक्ट ही अप्लाई नहीं होगा तो फिर उसका कोई आर्टिकल भी अप्लाई नहीं होगा. तो इस तरह से पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो 3 साल था उसको सेट असाइड किया गया और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को वैलिड मानते हुए वो ये कहती है कि वर्कमैन जो है को आप वापस काम पे रखिए. क्योंकि इसका जो अपील है यानी कि जो सूट फाइल किया गया है वो विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन है. तो ये इस केस का फैक्ट इशू जजमेंट है और ये इस केस में का लास्ट केस है. आई होप आपको पूरा जो केस मैंने कहा है और वीडियो बनाया है आपको पसंद आया होगा.